धार जिले के बाग में नवागत एसडीएम ने मंगलवार को जनपद सभा कक्ष में बाग ब्लॉक के विभाग अधिकारियों कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। उसके बाद नगर के सैलून दुकानदार और जूते चप्पल दुकानदार एसडीएम विवेक कुमार से सभी मिले और उनसे व्यापार चालू करने की मांग की। सभी के व्यापार चालू हैं और हमारे व्यापार विगत 3 माह से बंद पड़े हैं। इसी दौरान एसडीएम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 लोगों को बुलाकर आपस में चर्चा की और उनसे उनकी समस्या सुनी। सैलून दुकानदार और जूते चप्पल वालों ने अपने सक्षम यही मांग रखी कि हमारा व्यापार बहुत पिछड़ा है। इससे पहले अतिक्रमण की मार से हम मजबूर हो गए थे और परेशानी दूर ही नहीं हुई थी कि लॉकडाउन की मार पड़ गई। इसके चलते हमारे परिवार को कैसे पालेंगे, हमें हमारे परिवार की चिंता सता रही है। जिस तरह से अन्य दुकानें खुली है तो हमें भी खोलने दिया जाए ताकि हमारे दिनचर्या सुचारू चल सके। जिस पर एसडीएम ने कहा कि संक्रमण से कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं, अब तक बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कुक्षी रेड जोन में आ गया है, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने कहा है सिर्फ किराना सब्जी फल फ्रूट मेडिकल के अलावा किसी दुकान को नहीं खुलने दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई नियम पालन का उल्लंघन करता है तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। थोड़े दिन का समय बचा है, इसे किसी तरह निकाल लो। बाग से संजय देपाले की रिपोर्ट। ये आप लोगों को भी मतलब ज्ञात है कि अपने कक्षी अनुभाग का हालत क्या है, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? मुझे है जानकारी। आज सुबह भी 2-2 लोग की मृत्यु हुई है अज्ञात कारण से, ठीक है। उनके परिजनों के सैंपल्स हमने अभी, तो अभी बाग में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे संपर्क। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।